पहला नॉक हमें देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग फाइट्स इनिशिएट होती है और साथ ही साथ टीम सोल वर्सेस टीम गॉड लाइक वो फाइट भी हमें देखने को मिल सकती है। जी गॉड व्हीकल लेकर को यहां से जा रहे हैं, लेकिन स्प्रेस दिए जाएंगे, डैमेज व्हीकल के ऊपर आएगा, जी गॉड के ऊपर नहीं। लेकिन ये दोनों ही टीम्स एक दूसरे के बहुत करीब, लेकिन जोनाथन वहां पर एक बढ़िया स्प्रे देंगे, नियो को वहां पे डाउन किया जाएगा और शायद एक इंस्टेंट पुश हमें देखने को मिल सकता है। नियो अपने टीममेट से बहुत ज्यादा दूर है, गॉब्लिन वहां मौजूद जरूर, लेकिन अगर हम टीम गॉडलाइक की बात करें ऐसा लग रहा है वो प्रिपेयर्ड है इस फाइट के लिए। नियो वो थोड़ा और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, गॉब्लिन कोशिश कर सकते हैं वहां पे रिवाइव देने के लिए, एक बहुत बड़ी ऑफ गार्ड एंगल नियो के पास देखने को मिल जाएगा, वो वॉच टावर में जा सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। गॉब्लिन उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, डाउन किए जाएंगे, शैडो का एक बेहतरीन स्प्रे आता हुआ एंड टीम सोल पूरी तरीके से बैकफुट पर, टीम गॉडलाइक वो मार्चिंग करते हुए नजर आएंगे। गॉब्लिन का फिनिश सिक्योर किया जाएगा, नियो का भी फिनिश सिक्योर किया जाएगा और अब हेक्टर और अक्षत मात्र दो खिलाड़ी बचते हैं और मुझको ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा देर तक नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए पोजीशन बहुत ज्यादा बेहतर है, अगर मिनी मैप में भी देखिए तो तीन दिशाओं से यहाँ पे बात की जाए तो अटैक किया जा रहा है और फंस चुके हैं कुल मिला के, लेकिन दूसरे एंड पे ओआर के भी खिलाड़ी काफी ज्यादा वैल्यू वहां पे निकाल रहे हैं। बट इस फाइट में आप देखिए यहाँ पे स्लैमिंग करने का डिसीजन लिया जा चुका है, धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते हुए शैडो ने भी जो सपोर्ट का एक रोल यहाँ पे निभाया जा रहा है, जैसे ही देखे तीन खिलाड़ी यहाँ पे आगे बढ़े शैडो भी अपने व्हीकल को स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड जा चुके, मतलब कुल मिला के कोई भी मौका ना मिल पाए इसका ध्यान रखा जा रहा है। जोनाथन की तरफ से ग्रेनेड, चलिए कुछ खास डैमेज वहां पे देगा नहीं क्योंकि एक्चुअल पोजीशन फिलहाल पता नहीं है जोनाथन को भी, बट मल्टीपल ग्रेनेड यहाँ पे करते चले जा रहे हैं। अक्षत की तरफ से भी एक ग्रेनेड पिन आउट किया जाए, काफी अच्छे पोजीशन में जहां पे ग्रेनेड आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते, लेकिन ये ग्रेनेड हल्का सा क्लोज था, बच गए वहां पे अक्षत, क्योंकि अगर डिले होता तो उस ग्रेनेड से हमें नॉकआउट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सीधा आए शैडो तैयार करे थे, खड़े थे अपने डीपीएस के साथ, खत्म करेंगे वहां पे एक और खिलाड़ी को, अब एक लौता प्लेयर हेक्टर टीम सोल की तरफ से। 1v4 का वो मुकाबला उनके लिए जरूर से रहने वाला है, देखना ये है कि क्या वो सरवाइव कर पाएंगे, यहां से बाहर निकलने का तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ग्रेनेड्स वो लगातार स्पैम करने की कोशिश की जा रही है, शैडो ने एक ऑफ गार्ड एंगल बनाया था ऊपर की हिल पे जाके, लेकिन वो भी नीचे आ चुके, लेकिन जोनाथन वो ये जो 1v1 है वो यूजुअली मिस नहीं करते, हेक्टर को डाउन किया जाएगा और